ओके, हमारे सोशल साइंस के आरंभ शो टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसी तरह से हाँ, जिसका नाम था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, इसी तरह से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका अलग से नाम नहीं दिया गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को 1919 को नाम दिया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसी तरह से 1909 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म नाम दिया गया था, और उसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके साथ और दूसरा नाम नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, तो इसका मेन प्रोविजंस वगैरह क्या था तो इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये यही सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरेशन बने। ठीक है, फेडरेशन का मतलब होता है ग्रुप। ओके, जैसे कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, उस समय इंडिया में ब्रिटिश का अंडर में, ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल में, डायरेक्ट कंट्रोल में जो स्टेट था, ठीक है, और दैट मीन्स द ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसको कहते थे, एंड प्रिंसली स्टेट्स मीन्स, और भी इंडिया में ऐसे जो एरियाज थे जहाँ पर इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे, वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ। और इसी तरह से ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स लोग रूल कर रहे थे, जहाँ इंडियन रूलर्स नहीं थे, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो वो हो गया प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, और दूसरा हो गया प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पर इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, हाँ, ये तो ज़रूरी है कि उस समय इंडियन रूलर्स भी ब्रिटिशर्स का ही जनरली अधीन में ही रूल कर रहे थे, किंतु रूल जो कर रहे थे वहाँ पर इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर 1935 का जो एक्ट में ही प्रोविजन था कि यहाँ पर जितना भी ब्रिटिश प्रोविंसेस है एंड इंडिया का प्रिंसली स्टेट से, इसका एक फेडरेशन बने, जिसके प्रेजेंट डे में भी कहते हैं इंडिया एक फेडरेशन है। दैट मीन्स फेडरेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स, 28 स्टेट्स प्रेजेंट डे इंडिया में जो है वो एक दूसरे से यूनाइटेड टुगेदर है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि 28 स्टेट्स है, ठीक है, और ये 28 स्टेट्स जो है का जो ग्रुप जो है, फिर उस तरह से इसका ऊपर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर ये 28 स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यूनियन टेरिटोरी भी ऑलरेडी है, यूनियन टेरिटोरी एंड 28 स्टेट्स जो है इसका फिर ऊपर में है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये क्रिएट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है, और इसके लेकर के यहाँ पर यही कहा गया था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स जो है, मोर देन हाफ ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जितना भी प्रिंसली स्टेट्स था उनमें से 50% से ज़्यादा अगर प्रिंसली स्टेट्स इस फेडरेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ज्वाइन करता है तो ये फेडरेशन बनेगा। ठीक है, तो फेडरेशन बनेगा, किंतु अब ज्वाइन किया नहीं किया अलग बात है, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, सो सेकेंड इसका फीचर था सेंटर, ओके, एट द सेंटर सिस्टम ऑफ डायरची वॉज इंट्रोड्यूस। डायरची मीन्स टू गवर्नमेंट, दैट मीन्स प्रेजेंट डे में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स तो है ही ना, तो हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा एंटायर कंट्री के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया था कि सेंट्रल में वहाँ पर क्या रहेगा, टू गवर्नमेंट्स रहेगा इंडिया में। 1935 एक्ट ये कहा कि इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा जनरली वहाँ पर टू गवर्नमेंट्स रहेगा। डायरची का मतलब, तो टू गवर्नमेंट कहने का मतलब, एक तो गवर्नर का अंडर में, गवर्नर जनरल का अंडर में रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका कि इंडिया का जो भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स वगैरह जो है इन लोगों का अंडर में। तो गवर्नर टू गवर्नमेंट कहने का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नर जनरल जो है पावर डिवाइड किया गया था, कहने का था पावर डिवाइड किया गया था। तो जैसे गवर्नर जनरल जो है इनको जो पावर दिया गया था, जैसे कि डिफेंस का, फॉरेन का, जैसे जितना भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पावर्स वगैरह जो था वो गवर्नर जनरल का कंट्रोल में था। ठीक
ठीक है, दैट मीन्स ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल में था, और इसको रिजर्व कैटेगरी बोल करके या इसको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट कहते हैं, और इस ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है ये जनरली इसमें जितना भी पावर वगैरह जो होता था ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, इस तरह का सब्जेक्ट्स वगैरह इसमें रखा गया, ठीक है। और ये जनरली यहाँ पर कोई भी अगर डिसीजन लेते थे जन आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, तो गवर्नर जनरल जो है मिनिस्टर्स का एडवाइस लेकर के ही लेते थे, क्योंकि ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है जनरली इस पर पावर रहता है इंडियन मिनिस्टर्स का, जो इंडियन इलेक्टेड मिनिस्टर्स का, ठीक है, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर वगैरह नहीं दिया गया था। और दूसरा जो गवर्नर जनरल का कंट्रोल में होता था, ब्रिटिश के कंट्रोल में होता था, कहने का मतलब डायरेक्टली, तो उसमें रखा गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहने का मतलब डिफेंस, फॉरेन, दैट इज जितना भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वगैरह जो है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है ये गवर्नर जनरल दैट मीन्स ब्रिटिश का कंट्रोल में रखा गया, दैट इज इसीलिए इसको डायरजी कहा गया है, दैट मीन्स टू गवर्नमेंट, डायरेक्टली मतलब टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स पावर डिवाइड किया गया। पावर डिवाइड कैसे किया गया, जैसे कि एक बनाया गया रिजर्व सब्जेक्ट, और जिस पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रखा गया, डिफेंस, फॉरेन, और इस पर डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा गवर्नर जनरल का, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स का। और दूसरा सब्जेक्ट बनाया गया वो था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट बोल करके, और इसमें लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वगैरह, ठीक है, रखा गया, और इस पर ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, ठीक है, इस पर जो भी आपका रूल्स वगैरह बनाना होगा, जो भी होगा, इस पर जो फंक्शन रहेगा, पावर रहेगा जनरली इंडिया का, किसका, मिनिस्टर्स का, ठीक है, उस समय इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स का वो पावर रहेगा, दैट मीन्स इस पर अगर कुछ भी अगर करना होगा गवर्नर जनरल को, तो पहले मिनिस्टर से पूछेंगे, ठीक है, एडवाइस लेंगे, ये चीज़ था। एंड ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस प्रेजेंट डे में हम लोग इस तरह से समझ सकते कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रोविंसेस का तरह आप समझ सकते हो, ठीक है, तो प्रोविंसेस को यहाँ पर ऑटोनॉमी दिया गया था, ऑटोनॉमी मतलब अपना इंडिपेंडेंट रूल करने का आज़ादी, ठीक है। गवर्नर जनरल कुड वीटो द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, किंतु बात यहाँ पर एक चीज़ है कि गवर्नर जनरल का पास वीटो पावर दिया गया था, दैट मीन्स कोई भी बिल पास करो, ठीक है, सेंटर में डायरेक्टली तो दिया गया, आपका मिनिस्टर्स भी जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में जो है उन्हीं लोगों से एडवाइस लेंगे गवर्नर जनरल, ठीक है, बट बात क्या है कि गवर्नर जनरल का पास वीटो पावर दिया गया कि वो कोई भी बिल को पास करने के लिए उनका पास वीटो पावर है, दैट मीन्स वो चाहे तब पास होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट डे में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 5 कंट्रीज का वीटो पावर है ना, ओके, तो दिस एक्ट वॉज फेलियर, और ये जो एक्ट है 1935 का एक्ट जो है, तो क्या ये सक्सेस हुआ, नहीं, ये फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, डिडन सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द इंडियंस, इंडियंस के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए ये जो एक्ट है 1935 का, ठीक है, और इसीलिए 1936 में लखनऊ में जो कांग्रेस का सेशन जो सभा हुआ, इसमें कांग्रेस ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटली इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया, इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यहीं तक हम लोग रखते हैं, उसके बाद कल से फिर बाकी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। कहाँ कट तो, अरे।